सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज का हमारा जो वीडियो है, पीछे स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस बकरी को शाम 5 बजे काटा था और काटने के बाद इतना ज़्यादा बेदर्दी से 4 से 5 कुत्तों ने इसको बाइट करा था। और आजकल गेहूँ का सीजन चल रहा है और लोग गेहूँ काट रहे थे, और तभी जो पशुपालक भाई हैं वो बकरी चराने के लिए उन्होंने छोड़ दी और अपने गेहूं काटने लगे। तभी कुछ कुत्तों ने आकर इस पर हमला किया और 4 से 5 कुत्ते इस पर आकर चुपट गए और काफ़ी देर तक इसको खदेड़ा। जब जाके इसने ज़्यादा शोर मचाया तब जाके लोगों को पता पड़ा। तो साथियों, जहां आपको लगे कि जानवर को खतरा है या कुत्तों का ज़्यादा माहौल है, वहाँ पर कुत्ते ज़्यादा बाइट करने वाले हों, तो ऐसी जगह पर आप अपने पशु पर ध्यान रखें। उसको चरगाह जगह पर, ऐसी जगह चरगाह पर ना छोड़ें जहाँ उसको कुत्तों से हमला हो सके और उसकी जान को खतरा हो सके। तो 5 बजे इसको बाइट करा था, तो उन्होंने मुझे रात 8:30 बजे संपर्क करा और यहाँ पर मैंने जो इसकी स्थिति देखी है वो बहुत ज़्यादा बेदर्दी है, असराहनीय है, क्योंकि ये दर्द से पीड़ित है और साथ ही साथ इसको कुत्तों ने इतना ज़्यादा बाइट करा है कि पिछला हिस्सा जो है इसका, वहाँ पर नस ब्लॉकेज भी हो गई हैं, मांसपेशियाँ खिंच गई हैं, मसल्स में खिंचाव है और स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ी भी नहीं हो पा रही है। तो जहाँ जहाँ इसके जख्म हैं तो वहाँ पर हमने सबसे पहले इसके बालों को रिमूव करा है और इस पर ऑइंटमेंट लगवाए हैं और कुछ हमने इसके जितने भी जख्म हैं अच्छे से उसको पालपेट करके देखा है। अगर यहाँ पर चौड़े जख्म होते, गहरे जख्म होते, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेचिंग करनी पड़ती, टाँके भरने पड़ते, लेकिन ऐसा कोई भी जख्म नहीं है जहाँ पर मैं टाँके लगा सकूँ। सब जो जख्म हैं वो हील अप होने वाले हैं। इस बकरी को समथिंग 4 से 5 जगह काटा है, वो भी पिछली साइड की तरफ, क्योंकि जब भी कुत्ते बाइट करते हैं पीछे की तरफ ज़्यादा बाइट करते हैं, क्योंकि पीछे से जानवर का जो चलने का फोर्स रहता है वो पीछे से ज़्यादा रहता है, तभी आगे फोर्स करता है। तो कुत्ते भी बहुत चालाक होते हैं, पिछले हिस्से पर जानवर पर पकड़ बनाते हैं जो आगे भाग ना पाए। तो ऐसी स्थिति में ये बकरी बहुत ज़्यादा सीरियस है, खतरे की तरफ है, लेकिन हमें इसको इंजेक्शन करने हैं। बाकी इसमें बचने की जो उम्मीद है, मुश्किल 5% उम्मीद है बचने की, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जख्मी है। और सबसे ज़्यादा भयभीत वाला जो सीन हुआ है, क्योंकि 4 से 5 कुत्तों का चुपटना, जानवर को दहशत, स्ट्रोक और शॉक में आ जाता है जानवर, तो इसकी वजह से भी जानवर की जान को खतरा रहता है। तो यहाँ पर मैंने इसको रक्षर भी लगाया, एक ML, और दर्द के लिए मैंने इसको मेलोनैक्स दिया है और पीछे पैरालाइज्ड है, उसके लिए हम अभी नहीं करेंगे, सिर्फ ताकत का इंजेक्शन हमने इसको ट्राइबीवेट दिया है। तो ये तीनों इंजेक्शन हमने लगाए हैं और जहाँ जहाँ बालों में जख्म है उन बालों को काट दिया है और साथ ही साथ जानवर के ऑइंटमेंट लगवा दिया है। तो इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली और क्या क्या आप सीखेंगे जिससे आपके जानवरों को ज़्यादा क्षति ना पहुँच सके अगर कुत्ता बाइट करे। अगर कुत्ता बाइट कर ले तो उसमें क्या इंजेक्शन लगाने हैं, उसका मैं वीडियो आई बटन में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको फुल वॉच कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।